बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपसे एलाइट स्कूल जुबली टाउन कैंपस लाहौर से मुखातिब हूँ। होपफुली यू ऑल आर फाइन एट होम। दिस इज योर सिलेबस ऑफ क्लास 3। इन मैथ्स देयर आर टू यूनिट्स आर इंक्लूडेड, यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 7। दिस इज योर काउंट डाउन बुक 3। नाउ ओपन द पेज नंबर 150। द टॉपिक इज मैथ्स एंड वेट। वेट, वेट क्या है? वेट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेट किसी भी चीज़ की भारीपन को जाहिर करता है कि उसके अंदर कितना मैटर या कितना मटेरियल मौजूद है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अगर वो सेम साइज़ और सेम शेप के हों या डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप्स के हों, उनका वेट सेम हो सकता है। अंडरलाइन दिस लाइन, वेट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वी यूज़ अ बैलेंस स्केल और वेइंग स्केल। अंडरलाइन बैलेंस स्केल और वेइंग स्केल। किलोग्राम और ग्राम्स हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट के तौर पर, और ग्राम लाइटर ऑब्जेक्ट्स और किलोग्राम हैवियर ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। जी, ये हैवियर वेट को वेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप कोई भारी चीज़ को वज़न करते हैं तो उसके लिए ये, और जब किसी लाइट चीज़ को यूज़ करते हैं तो ये 100 ग्राम का वेट है और ये 50 ग्राम का है। हैवियर ऑब्जेक्ट्स के लिए आप हैवी वेट और लाइटर ऑब्जेक्ट के लिए आप लाइटर वेट यूज़ करते हैं। इसी तरह मज़ीद कोई स्मॉल चीज़ आपने वेट करना है तो उसके लिए आप मज़ीद स्मॉलर यूनिट्स यूज़ करते हैं। अब हम अगेन बुक की तरफ आते हैं। किलोग्राम के लिए एब्रीवेशन केजी और ग्राम के लिए एब्रीवेशन जी इस्तेमाल होता है। अगर आप एक सैक ऑफ राइस का वेट लेते हैं तो उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, और अगर आप पेंसिल का वेट लेते हैं तो उसको ग्राम्स में मेजर करते हैं। किलो मींस 1000। ऑलरेडी ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किलो का मतलब 1000 होता है। जब भी आप किलोमीटर से मीटर में या किलोग्राम से ग्राम में जाते हैं तो किलो को 1000 के इक्वल लेते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी मेजर यूजिंग बोथ किलोग्राम एंड ग्राम। आप इन दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप शुगर को, चीनी के बैग को वेट कर रहे हैं तो वो 4 kg 500 ग्राम में भी मेजर हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन फ्रॉम किलोग्राम टू ग्राम और ग्राम टू किलोग्राम। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 kg 1000 के इक्वल होता है, लिहाजा जब हम किलोग्राम से ग्राम में आते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके साथ ही नीचे आपने लिखना है कि जब हम ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। इसमें आप एग्जांपल्स दी गई हैं कि आपने किस तरह कन्वर्ट करना है किलोग्राम से ग्राम में। 1 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करते हुए आप 8 को किलो के हिसाब से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 1000 आंसर आएगा 8000 ग्राम, क्योंकि 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। उसी के साथ आपका कन्वर्जन है ग्राम टू किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। उसके लिए जब आपको ग्राम्स में कोई क्वांटिटी दी जाती है 8195 ग्राम, तो आप उसको सबसे पहले 8 को 8000 ग्राम बनाएंगे और जो 195 ग्राम है वो उसके अंदर ऐड करेंगे। 8000 ग्राम 8 केजी बनेंगे 1000 से डिवाइड होकर, और 195 उसमें ऐड हो जाएंगे, जिससे आंसर आएगा 8 kg 1195 ग्राम। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ यूनिट्स ऑफ वेट। ऐड करते हुए आप किलोग्राम के नीचे किलोग्राम और ग्राम्स के नीचे ग्राम्स इस तरह लिखेंगे कि 1, 10 और 100,000 इन 4 digits के नीचे अगले 4 digits आए। 0 और 9 को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 9। 9 और 6 को जब हमने ऐड किया तो आंसर आया 15, जिसका 5 यहाँ लिखने के बाद जो 1 है वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। 5, 1 और 8 को जब आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 14। 14 का 4 यहाँ लिखने के बाद आप उस 1 को आगे कैरी कर देंगे। 4, 1 और 2 को जब आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 7। अब हम दूसरे पेज की तरफ आते हैं, अपने अगले पेज की तरफ, जिसमें एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 आपने खुद सॉल्व करना है, उसी तरह जैसे आपको पिछले पेज पर मैंने समझाया है। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ वेट। आप सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, उसके लिए एग्जांपल नंबर 1 मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी सॉल्यूशन उसका। 7106 एंड 2847 आपके जो हैं ये वैल्यूज़ दी गई हैं। आपने
यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे 100 लिखना है और 1000 के नीचे 1000 लिखने के बाद सिंपली जो माइनस का प्रोसीजर है वही फॉलो करना है। ज़ीरो से आपने बोरो लेना है, चूँकि ज़ीरो के पास नहीं तो आपने नेक्स्ट डिजिट पर चले जाना है। वन से बोरो लिया तो ये 10 हो गया, 10 से जब वन बोरो इधर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 16, 16 में से 7 जब आप माइनस करेंगे आंसर आएगा 9, 9 में से 4 जब आप माइनस करेंगे आंसर आएगा 5 और यहाँ पर चूँकि ज़ीरो था सात वाले डिजिट से आपने एक 1 जो है वो बोरो लिया जिससे वो 10 हो गया, 10 से 8 जब आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। यहाँ पर 6 रह गया, एक आगे गया था तो इसलिए 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं जिसमें एक्सरसाइज 5C आपको दी गई है। इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। पार्ट ए, विच इज हैवियर, अ लीफ और अ पैक ऑफ 10 बार्स ऑफ चॉकलेट। अ पैक ऑफ चॉकलेट इज हैवियर, डेफिनेटली जो लीफ है वो लाइटर होता है और जो चॉकलेट बार्स हैं वो हैवी होती हैं। पार्ट बी, विच इज द बिगर यूनिट, किलोग्राम और ग्राम। किलोग्राम इज द बिगर यूनिट, ग्राम छोटा होता है और किलोग्राम बड़ा। नंबर सी, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टेल्स हाउ हैवी द ऑब्जेक्ट इज। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेट, कि कोई चीज़ कितनी हैवी है ये हमें बताता है। पार्ट डी, 3 kg इज इक्वल टू डैश ग्राम। डेफिनेटली आपने 3 kg, हम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 3 × 1000 करने से आपका 3000 ग्राम आंसर आएगा। पार्टी, 6000 ग्राम को जब आप कन्वर्ट करेंगे 1 kg में तो 6000 को आपने 1000 से डिवाइड करना है जिससे आंसर आ जाएगा 6 kg। और क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। पार्ट ए, द वेट ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट इज मेजर्स इन ग्राम। डेफिनेटली वेट ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट्स हम मेजर करते हैं ग्राम में। ट्रू। पार्ट बी, 2005 ग्राम इज इक्वल टू 200 kg। जैसा कि आपको पहले बताया कि 2000 का मतलब 2 kg है तो यहाँ पर वो 200 kg बता रहा है, दिस इज फॉल्स। पार्ट सी, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ट्रू, क्योंकि 1 kg 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। पार्ट डी, 8 kg प्लस 3 kg 150 ग्राम। 8 kg और 3 kg को आप ऐड कीजिए, आंसर 11 आएगा, यहाँ पर वो 5 kg दे रहा है, दिस इज फॉल्स। पार्टी, बॉक्सेस ऑफ द सेम साइज कैन हैव डिफरेंट वेट्स। ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। पार्ट ए, 3 kg इज इक्वल टू, अब आपने देखना है कि 3 kg किसके इक्वल है, 3 × 1000 तो 3000 ग्राम के इक्वल होगा। यहाँ से हम सर्च करना शुरू करते हैं तो आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन है, इस बबल को आपने फिल करना है, आंसर इज 3000 ग्राम। पार्ट बी, 4 kg 103 ग्राम इज इक्वल टू 4103 ग्राम। सो आप इसको यहाँ पे सर्च करेंगे 4103 ग्राम, द लास्ट ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन, आप इस बबल को फिल करेंगे। पार्ट सी, 40 kg प्लस 5 kg, 40 + 5 इज इक्वल टू 45 kg। सो 45 kg इज ऑन द थर्ड ऑप्शन, बबल दिस, फिल दिस बबल। पार्ट डी, 9 kg 240 ग्राम माइनस 5 kg 200 ग्राम, आप इसको जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4 g and 40 g, 4 kg एंड 40 ग्राम। पार्टी, 8 kg 800 ग्राम इज इक्वल टू 8800 ग्राम होना चाहिए, आप इसको यहाँ से देखिए 8800 ग्राम इज ऑन द फोर्थ ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट दीज। ऑल दीज क्वेश्चंस आर अबाउट एडिशन, प्लस करना है सिंपल, आपने पार्ट ए में आपके लिए सॉल्व करूंगी और बाकी 3 पार्ट्स आप बुक पर बाद में खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट ए, 8 and 9 को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 17, 17 का 7 यहाँ पर लिखने के बाद 1 कैरी आगे जाता है, 1 और 1 को जब हम ऐड करते हैं आंसर आता है 2 और 4 और 6 को ऐड करेंगे आंसर आएगा 10, 10 का 0 आप यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी आगे चला जाएगा, 1, 3 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 6। इसके साथ कंप्लीट करने के बाद बी, सी और डी आप अपनी बुक पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
राइट इन वर्टिकल फॉर्म देन ऐड, ये आपकी सहूलत के लिए मैं बोर्ड पर सॉल्व करूंगी। बाकी पार्ट आपने अपनी कॉपी पर खुद सॉल्व करने हैं, ये पोर्शन आपका कॉपी पर सॉल्व होगा। बच्चों ये आपका टॉपिक है और फोकस है, आपने अपनी कॉपी उसी तरह रेडी करनी है जैसे आप क्लास में करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन वर्टिकल फॉर्म देन ऐड। क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो है 2 kg 480 ग्राम प्लस 6 kg 573 ग्राम। आपने इस फॉर्मेशन में लिखना है, ये वर्टिकल फॉर्म है। 2 kg आपने डिजिट को वन बॉक्स में और केजी को वन बॉक्स में लिखना है। लिखने के बाद आपने एक बॉक्स की स्पेस देनी है। 480 ग्राम को आपने वन वन बॉक्स में लिखना है एडिशन, और आपने आप 2 के नीचे 6 और केजी के नीचे केजी, 5 के नीचे 5 और इसी तरह जो डिजिट्स एक दूसरे के नीचे लिखने हैं कि एडिशन करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। 0 और 3 को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3। तरह 8 और 7 को जब आप ऐड करेंगे, आप फिंगर्स पे भी कर सकते हैं, आप साइड पर भी कर सकते हैं, आंसर आएगा 15। जिसका 5 आप यहां लिखेंगे और 1 को आप आगे लेकर जाएंगे, ये कैरी आपका 1 आगे आ जाएगा। अब आप 1, 4 और 5 को ऐड करेंगे। 1, 4 और 5 को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 10। 10 का आपने 0 यहां लिखना है और 1 जो है वो आपका आगे चला जाएगा कैरी की सूरत में। अब आपने 1, 2 और 6 को ऐड करना है। 1 और 2, 3, 3 and 6, 9। या कि एडिशन हो गई, आंसर आया 9 kg 53 ग्राम। अब हम दोबारा बुक की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ए मैंने बोर्ड पर सॉल्व किया, अब आप पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी अपनी कॉपी पर उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे जिस मेथड से मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट दिस। अब आपने इसमें माइनस करना है पार्ट ए, 5 kg 680 ग्राम एंड 1 kg 475 को आपस में। आपने 7 कैरी लिया, 8 से कैरी लेने पर आंसर यहाँ पर आएगा 10। 10 में से 5 जब आपने माइनस करना है तो आंसर आया 5। यहाँ 7 रह गया, 7 में से 7 माइनस किया, आंसर आया 0। और 6 में से 4, आंसर आया 2। एंड 5 में से जब आपने 1 माइनस किया तो आंसर आया 4। पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी आप अपनी बुक पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन वर्टिकल फॉर्म देन सब्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन आपने कॉपी पर सॉल्व करने हैं। इसके लिए हम बोर्ड पर आते हैं जिसमें मैं आपको पार्ट डी बताऊंगी और बाकी पार्ट्स ए, बी और सी आपने अपनी कॉपी पर सॉल्व करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट डी, 5 kg 1 ग्राम माइनस 3 kg 775 ग्राम। 5 kg आपने उसी तरह उसी डिस्टेंस पर लिखना है, 5 आपने वन बॉक्स में, kg आपने लिखने के बाद एक बॉक्स के स्पेस देना है। यहाँ पर 1 ग्राम का मतलब है 0, 0, 1 ग्राम, ये 1 ग्राम है। और यहाँ पर 10th वैल्यू नहीं दी गई, ना ही 100th वैल्यू दी गई है, इसलिए यहाँ पर हम 0 से उसको कंप्लीट करने के बाद माइनस करेंगे। 3 kg 5 के नीचे 3 और केजी के नीचे केजी, और यहाँ पर वही स्पेस देने के बाद आपने 775 ग्राम लिखना है। माइनस करते हुए आपने यहाँ से कैरी लेना शुरू करना है। यहाँ पर 0 है, कैरी नहीं, आप बोरो नहीं ले सकते। यहाँ पर 0 है, आप यहाँ से भी बोरो नहीं ले सकते। आप 5 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 4 रह जाएगा। यहाँ पर आपका पहले आएगा 10, और 10 से जब आप 1 मजीद आगे देंगे तो यहाँ 10 होने के साथ साथ यहाँ पर 9 रह जाएगा। अब आप इसको बोरो देंगे, यहाँ 11 हो जाएगा और यहाँ पर 9 रह जाएगा। अब आपने 11 से 5 माइनस करना है
आंसर आएगा 6। 6 जो है वो आप इसको 5 के नीचे उसी तरह अपने डिजिट्स को कंप्लीट करते हुए लिखेंगे जो हमारा सीक्वेंस है। 9 में से आपने 7 माइनस किया, आंसर आएगा 2। यहां 9 में से 7 माइनस किया, आंसर आएगा 2। और यहां पर 4 रह गया था, 4 में से आपने 3 माइनस करना है, आंसर आएगा 1। नाउ योर आंसर इज 1 kg 226 ग्राम। यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क विद इन नेक्स्ट 10 डेज। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप वीडियोस को अगेन वॉच कर सकते हैं। आप होमवर्क करने में अपनी मदर या किसी बड़े की मदद भी ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये तमाम काम आपने अपने स्कूल की ही कॉपी पर करना है जिस पर ऑलरेडी आप अपने स्कूल का काम कर रहे थे। इसके मार्क्स आपके एनुअल एग्जाम्स में ऐड होंगे। और YouTube पर लाइट स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पर लेक्चर्स मिलते रहें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम लाइट स्कूल जुबली टाउन कैंपस लाहौर।